ये जो है ना, मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन की लड़ाई चल रही थी ना, इधर सियाचिन आता है, इधर मतलब ट्रायंगल के शेप में थोड़ा सियाचिन आता है, तो फिर ना उधर ऐसा हुआ था, इंडियन वो चला गई थी, मतलब आर्मी चला गई थी, तो फिर क्या हुआ था, तो पाकिस्तान को वो सियाचिन पर कब्जा करना था, क्योंकि वो पूरा एक तो भी था, एक तो भी पहाड़ था जिससे पूरा सियाचिन देख सकते थे, तो फिर उधर इंडिया ने भी ना उस वैसे कपड़े भी नहीं थे, उधर -degree Celsius था, और उनके पास कपड़े भी नहीं थे, और फिर इंडिया वाले गए इधर यूरोप में, क्योंकि यूरोप भी वैसी ड्रेस बनाता था, तो फिर इधर मतलब जर्मनी की कंपनी ने बोला कि हमारे पास पहले से ही ऑर्डर है, हम आपका ऑर्डर नहीं कर सकते, तो फिर इंडिया की आर्मी ने पूछा कि क्यों किसको दे रहे, तो फिर ये जर्मनी ने इसको इंडियन आर्मी को बोला पाकिस्तान को, तो फिर इंडियन आर्मी ने बोला बकलवा, इधर इधर मत दे, इधर मत दे, हमें दे हमें दे, तो फिर जर्मनी बोला क्यों, तो इंडिया ने बोला वो हमें मार देगा, ऐसा हुआ, और फिर पाकिस्तान ने बोला ये हमारी वो रोक रहा है, तो फिर आप यूएनए में लाइए, तो फिर यूएनए में लाया, तो फिर ये जो रशिया है ना, इसने भी ये भी था उस संबंध में, तो वीटो वीटो कर दिया, वीटो मतलब ये अभी उसमें नहीं आएगा, और कोई देश इसको नहीं बोलेगा कि पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है, वो मतलब मिलिट्री बैठ सकता है, तो फिर इसने बोला कि हमें PNS गाजी दे दो, तो फिर ये PNS गाजी इसको दे दिया, तो इधर से इधर जब ये इधर आया ना परवानी एनसी, तो फिर इंडिया के लोग इधर थे, मतलब मालदीव इधर थे, मुंबई में थे, मतलब इंटेलिजेंस पीपल, तो फिर इन्होंने इधर से मतलब वो आसपास ही रहते, जासूसी करते ना कि पाकिस्तान आ रहा है, चाइना आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, तो फिर उनने इसको देख लिया PNS गाजी को, तो फिर इधर इधर था, तो फिर इधर विक्रांत को मारना था वो, क्योंकि विक्रांत इतना पावरफुल था, कि इतना पावरफुल था कि वो पूरा बांग्लादेश को स्वतंत्र करवा सकता था, क्या करवा सकते हो? मतलब आजाद करवा सकता था स्वतंत्र? इतना, हाँ हाँ, और पाकिस्तान जो है ना इतना अत्याचार करता था कि बोलता था तुम तो काले हो, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर इंडिया में जब इंदिरा गांधी थी, तो फिर इधर वो थी, मतलब वही क्या बोलते हैं, इधर हमारी आर्मी ज्यादा थी, और फिर इधर एक जिला था, इसका नाम है जोधपुर, जोधपुर जोधपुर। जोधपुर हाँ जोधपुर था ना, उसमें हमारी मतलब 120 आर्मी थी, तो फिर पता है क्या किया, तो फिर इन लोगों ने इधर से एंट्री मारी इंडिया में मारने की, पाकिस्तान बोल रहे थे छोटा भैया तुम हमारे उधर कब्जा कर, उधर मार रहे हो ना, अभी हम तुम्हारे देश दिल्ली में मारे, तो इधर जो जोधपुर में करा, तो फिर हमारे 120 जवानों ने जो कैप्टन थे ना उन, तो फिर मतलब आर्मी के हेड थे, उनने बोला कि तुम पीछे हटो पीछे हटो, तो फिर जो कैप्टन थे उनने बोला कि नहीं हम आज इनकी पैंट लूज कर कर रही तो क्या हुआ कि पाकिस्तान ने ना इधर आया, और फिर 120 जवान इधर गए, तो इधर गए तो मतलब उधर रेगिस्तान में एक टिफिन जैसा रहता है, अगर उसके ऊपर कुछ भी मतलब 10 kg का से ज्यादा वेट है ना, तो फिर वो ब्लास्ट हो जाता है, टिफिन जैसा होता है, तो फिर ना दो दो टैंकर्स आते हैं, मतलब 3 टैंकर्स तो उस डिफेंस से ही मर गए, तो फिर पता है इतने
पागल है ये पाकिस्तान वाले कि रात को गए थे ना, तो फिर रात को इंजीनियर को बुलाया, बोले इंजीनियर इंजीनियर आ जाओ, तो फिर एक घंटे में इंजीनियर आया इधर, और फिर इंजीनियर भी डर रहा था, टिफिन बॉक्स है हटा हटा इसमें बॉम्ब हट, ऐसे करने में 6 घंटे लग गए, 6 घंटे करते करते इतने सारे टिफिन लगा रखे थे, और फिर 6 घंटे में रात को हमारे एयरफोन नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो जब उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज भी रहती है और उनको सोना भी होता है, तो फिर हमारा इंडिया वाली एयरपोर्ट आई पटक पटक पटक, उनने 3 जनवरी को 3 दिसंबर को करा था 1958 में, और फिर उसके एक दिन बाद ही उनका एयर ट्रक का हल हुआ कैसे अच्छी तरह मिलिट्री का स्टील ट्रक लाए थे, उसको तो बिल्कुल ब्लैक कर दिया, तोड़ दिया उसकी जो बैटरी रहती उसको तोड़ फोड़ कर दिया, तोप से मशीन गन से ऐसे कर दिया था, तो ये लोग पीछे गए, तो फिर बोला आर्मी ने बोला मतलब नेवी ने बोला कि रात को आर्मी ने करा, एयरफोर्स ने करा, अभी हम लोग करेंगे नेवी की फंस, तो इधर से 5 डिफेंडर को ये लोग कराची पहुंचे, अब सब धमाका करा कि आधे पाकिस्तानी के कराची लोग तो अफगानिस्तान और ईरान में फैल गए इतना मारा, फिर ये पाकिस्तान ने बोला हमें आप अपना सातवां बेड़ा लाओ, तो सातवां बेड़ा लाया और अपना ईगल मतलब ब्रिटेन ने ईगला लाया, उसका भी था, फिर जैसे ब्रिटेन आ रहा था यूएस आ रहा था, तो इंडिया ने बोला हम भी समझौता कर रहे हैं, एशिया का बोला हमारी भी हेल्प कर, तो बोला इसने चिंता करते हम लोग बचेंगे ना, तो इधर 40वां बेड़ा भेज दिया उसने और अपनी वो लड़ाकू जहाज भेज दिया, साथ उसका सातवां बेड़ा कोई काम का नहीं, इसका 24वां बेड़ा आ गया ऐसा हुआ था, फिर इंडिया का ये लोग कम समझते ना, ये चाइना इन चाइना वाले ना बोलते जिंग जंग जुंग, दो चाइनीज वाले हमारे इंडियन और चाइना बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे, इंडिया के अंदर घुस गए थे और फिर ऐसे वीडियो बना रहे थे, तो फिर हमारे आर्मी वालों ने पता क्या किया, इतना अच्छे हमारे आर्मी वाले छोड़ दिए और हमारे जवान अभी तक नहीं छोड़े, इसलिए तो अभी लद्दाख में लड़ाई चल रही है, अरुणाचल प्रदेश में भी चाइनीज, पता है अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलता है ये ईस्ट तिब्बत है ये, और ये जो भूटान का जो त्रिफू है एक जगह त्रिपुरा है, तो फिर उसको भी बोलते हैं ये अरुणाचल तिब्बत का वो इंडिया ने हड़प लिया है, आपको पता है बहुत पहले ना अफगानिस्तान पाकिस्तान म्यांमार बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका और ये तिब्बत ये सब इंडिया में आते थे, इतना बड़ा था, अरे छोटा कहीं का बोलते हैं हमारी बढ़कर है हमारे मतलब इसके पास 2 एयरक्राफ्ट करियर है यूएस और ट्रंप के भी मतलब मोदी और ट्रंप के बीच में एक समझौता हुआ था कि मतलब पर्सनल फोन मीटिंग थी, तो है यूएस ने अपने 2 एयरक्राफ्ट करियर भेज दिए, दो इसके पास 2 और भेज दिए इसने और साउथ चाइना सी में इधर से जापान ईस्ट चाइना सी में और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया कर रहा है और रशिया कर रहा है इधर, और फिर अलग से साउथ चाइना सी में हो गया, और पता है इतना गंदा है कि ये वियतनाम फिलीपींस जो भी है 10 देश है ना एशियन कंट्रीज के, तो फिर इसको बोलते हैं ये हमारी जगह तुम क्यों यूज कर रहे हो, पता है इंडिया को क्या करना चाहिए, इधर से म्यांमार से लाओस से थाईलैंड से
वियतनाम तक इधर लाना चाहिए। अब वियतनाम को को बोलना चाहिए कि हम तुम्हें इधर से पेट्रोल ला कर देंगे हमारे इंडियन ओशन से। और फिर ऐसा करना चाहिए, इसी रास्ते से गुजरते गुजरते म्यांमार से इधर लाना चाहिए हमारे इसको, ये इधर लाना चाहिए, सिंगापुर तक लाना चाहिए। फिर सिंगापुर तक लाएगा तो फिर सिंगापुर की आर्मी हमारे बेंगलोर में ट्रेनिंग लेती है, तो फिर हमारा सिंगापुर और म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम सब बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध है।